गरीब परिवार के बच्चों को कोचिंग के माध्यम से शिक्षा देने के लिए कन्नौज जिले में निशुल्क माँ कोचिंग सेंटर का उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने किया। इस दौरान मंत्री ने डिजिटल बोर्ड पर शिक्षा का अधिकार लिखकर शिक्षा कितनी जरूरी है इसका महत्व नौनिहालों को बताया। उन्होंने कहा कि माँ कोचिंग सेंटर में बच्चों को शिक्षा के साथ ड्रेस, पेन, पेंसिल, किताबें भी निःशुल्क मिलेगी। इस तरह की कोचिंग से गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मंत्री ने सड़क किनारे का कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालकर स्वच्छ भारत के लिए लोगों को जागरूक किया। कोचिंग सेंटर बच्चों के ट्यूशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू की गई है। मेरे भाई श्री रामू कटेरिया जी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की गई है। बच्चे स्कूल से लौट करके आते हैं और कई परिवारों में बच्चे शाम का होमवर्क करना, अगले दिन की पढ़ाई की तैयारी करना, इसको कभी अच्छे से कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। अब जो व्यवस्था बनाई गई इसके अंतर्गत बच्चों को कॉपी किताब दी जा रही है, बच्चों को पहनने के लिए एक वर्दी दी जा रही है और सबसे बड़ी बात अच्छे शिक्षक दिए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे दिन का होमवर्क करना, अगले दिन की तैयारी करना, परीक्षा की तैयारी करना, इसके लिए इस कोचिंग सेंटर में, इस ट्यूशन सेंटर में बैठ करके अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा विश्वास है कि हमारा एक एक बेटा, एक एक बेटी जो उनके स्वप्न हैं, जो परिवार के स्वप्न हैं, उनको पूरा करेंगे।